नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आए हैं टाइम जोन आर मॉल में, घोड़बंदर रोड थाने में। तो आज है ना, हम फिर से यहाँ पे चैलेंज ले रहे हैं, दस स्वाइप करेंगे हम इसके ऊपर। यह हैप्पी मीनार है जो कि लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा रहेगा कोरम में। तो 10 स्वाइप हमने 500 रुपये स्पेंड करके हमको वहाँ पे 500 रुपये का प्राइज़ मिला था। तो आज हम सेम चैलेंज यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 500 रुपये में हमको कितना मिलता है। 540 समथिंग चले जाते हैं। 54 रुपीज़ का गेम है, 54 रुपीज़ का। तो चलिए इसको है ना ट्राई करते हैं इस वाले गेम को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बैठा हूँ मैं। यहाँ पे ढेर सारे सोर स्टेप है, कोको लोको के 3 आगे पीछे 3 है, किंडर जॉय है, ये कार गिरेगी, ये स्नेकर्स गिरेगा। तो चलो इसको पहले है ना हम स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर ट्राई करेंगे। तो देखिए थोड़े बहुत वहाँ पे रखे हुए, ढेर सारा मटेरियल डाला हुआ है। देखिए जैसे आप देख सकते हो पूरा फूल भर के रखा है। इसके लिए मैं बोलता हूँ जब भी स्वीट हैप्पी मीनार खेलना है तो आग बंद करके आर मॉल आ जाओ। आर मॉल जैसा आपको है ना प्ले करने के लिए मिलेगा ही नहीं कहाँ पे। तो देखिए ये वाला ग्रीन वाला आ रहा है, इसको उठाने की कोशिश करते हैं। अभी है ना सिर्फ वो पिंक वाला है ना नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको अड़ना नहीं चाहिए पिंक वाला। ओ भाई उठा, हाँ मुझे लगा दोनों उठाया। पिंक वाला अड़ना नहीं चाहिए। ओ भाई जा नीचे जा। ये देखो ये आगे पूछ करेगा, ये आ गया। नेकस भी आया अपना और ये भी आया। अभी है ना ये चला जाएगा, ये देखिए ये चला जाएगा। अभी है ना अपने को ग्रीन वाला ट्राई करना पड़ेगा, ग्रीन वाले पे स्वाइप मारना पड़ेगा। ये अपना सेकंड स्वाइप है अभी जो ग्रीन वाले पे हम मारने जा रहे हैं वो। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से है ना, ये मतलब प्राइज ही इतना है, कोई खेल के चला गया है उसका मतलब बोलते हैं ना, उसने पूरा अपने लिए सेट करके रख दिया। कभी कभी होता है गेम में ऐसा, कभी कभी हम भी छोड़ के चले जाते हैं किसी के लिए। चलो ग्रैब करो। ग्रैब किया भाई साहब। चलो एक नंबर। ये दो तो गिरे और एक गिरेगा, ये देखो 3 गिर गए। दो ही स्वाइप में अपने पांच प्राइज मिल गए दो ही स्वाइप में। अभी है ना तीसरा स्वाइप करते हैं, वो है ना ऑरेंज आने का इंतजार करते हैं। वो ऑरेंज जो दिख रहा है आपको वो आने का इंतजार करते हैं, ऑरेंज के ऊपर ट्राई करेंगे। ऑरेंज से अच्छा पर्पल वाले पे ट्राई करेंगे। पर्पल वाला देखिए थोड़ा सा है ना अच्छी जगह पे, अच्छे पोजीशन पे। ऑरेंज वाला है ना वहाँ पे वो जाएगा नहीं, वो स्लिप हो जाएगा वहाँ पे। तो ये ऑरेंज ट्राई करेंगे, उसके बाद एक किंडर जॉय वहाँ पे दिख रहा है, वो किंडर जॉय पे ट्राई करेंगे। अभी अपना है ना तीसरा स्वाइप है, चलो थर्ड स्वाइप हम अटेम्प्ट करते हैं। ये अपना थर्ड स्वाइप है, ये भी उठेगा। सिर्फ है ना जल्दबाजी नहीं करनी है इसको। देखिए जैसे वो उसके नीचे आ गया तुरंत प्रेस करना है, उसको आगे नहीं जाने देना है। ओ भाई अभी लगा था फिसल जाएगा लेकिन नहीं आया वो सही से। आज तेरी ये तो थप्पी लगा दिया इसने। ये देखिए पूरा स्टक होके रहेगा, अभी उसके पीछे डालना पड़ेगा, पीछे डाले बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी 3 स्वाइप हुए अपने, शांति से खेलेंगे इसको, ज़्यादा है ना हड़बड़ी नहीं करेंगे इस गेम में। हड़बड़ी करेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी है ना उठाने जैसा क्या है, ये किंडर जॉय उठ सकता है लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा वो किंडर जॉय के बारे में। तो इसको चलो ठीक है इसको ग्रैब कर दो, आएगा ये भी। तो फोर्थ स्वाइप है अपना। ओ भाई क्या क्या उठाया, सिर्फ किंडर जॉय उठाया शायद। ओ शाबाश, ये देखो आया। Thank you.
ये भी आएगा, ये पिंक भी आएगा, ये पिंक भी आएगा, पिंक भी आएगा शायद से, नहीं आया चलो ठीक है, लेकिन वो किंडर जो है एटलीस्ट आगे तो आया। अभी ये अपना फोर्थ या फिफ्थ है मुझे पता नहीं है, तो ट्राई करेंगे उसके ऊपर, वो जो आ रहा है ना ऑरेंज वाला, वो ऑरेंज वाले पे ट्राई करेंगे उसको। यही होता है स्वाइप है ना, पता नहीं रहते, अभी एक स्वाइप मारेंगे और जाके चेक करेंगे कि आपने कितने स्वाइप हुए इसके ऊपर। अभी ऑरेंज वाला जो आ रहा है ना उसके ऊपर ट्राई करेंगे, मुझे लग नहीं रहा, थोड़ा सा अंदर साइड है वो, फिर भी है ना रिक्स, थोड़ा सा तो रिक्स लेना पड़ेगा हमको। 1538 बैलेंस बचा हुआ है अपना, चलो। ओ भाई शॉट है ना, मुझे लगा था वहाँ पे दो दो थे ना, इसके लिए थोड़ी सी थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी, क्योंकि मैं स्वाइप चेक करके आता हूँ इसके ऊपर कितना स्वाइप हुआ। तो दोस्तों आपने इसके ऊपर है ना 5 स्वाइप हुए हैं, ठीक है, तो अभी और 5 स्वाइप बैलेंस है अपने। ये देखिए यहाँ पे है ना ऐसा हो गया है ना, अभी उठाने जैसा कुछ नहीं रहा है अच्छा, लेकिन वो क्या होता है बीच में ग्रैब करने को नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ देगा। तो देखिए वो ग्रीन वाला आ रहा है ना, वो ग्रीन वाले पे ट्राई करेंगे, ग्रीन वाला उठाने की कोशिश करेंगे, वही तो एक ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे क्लॉ डालूंगा ना तो फंस जाएगा, ये उठा नहीं पाएगा। अभी ये देखिए ये ऑरेंज के साथ में जो ग्रीन है ना, पिंक ऑरेंज के बाद में दिख रहा है, उसके ऊपर ट्राई करेंगे इस ग्रीन वाले पर, या फिर वहाँ पे जो मरून आ रहा है वो भी सही है। ये अपना छठवा स्वाइप है, 30 सेकंड मिलते हैं इसके अंदर। चलो भाई ये तो ये अरे बाप रे शट, तो फिसल गया, ये है ना काम भी नहीं कर रहा। ये अभी अपना 7वां स्वाइप है, अभी है ना ये सब रह जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा जो है ना यहाँ पे ये उठाना मुश्किल हो रहा है, इसमें भी है ना दिक्कत आएगी। जाने दो, किंडर जॉय आने दो, किंडर जॉय पे ट्राई करो। उठाओ भाई उठाओ शर्ट, 7 स्वाइप तो ऐसे ही गए, एक भी नहीं उसमें आया, अभी 3 स्वाइप बचे। इतना अच्छा गेम खेला गया था, पूरे गेम का पूरा ये चला गया। अभी वो ग्रीन वाले से उम्मीद है, लेकिन ये ऑरेंज वाले पे एक ट्राई मारते हैं। 8वां स्वाइप है अपना, एक इंडो जॉय पे उठ सकता था, ये ग्रीन नहीं उठेगा, ये ऑरेंज नहीं उठेगा, बस कैसे है ना ये गड़बड़ ये हो जाएगी, ये कार उसको तकलीफ देगी। अरे उठा है भाई, उठा है भाई, आगे डाल, हाँ वैसा कुछ ना कुछ करो। ये देखो थोड़ा सा ही बचा हुआ था भाई, ये गिरा किंडर जॉय। स्वाइप हुआ, अभी 9वां स्वाइप अपना, ये पर्पल उठाने की कोशिश करते हैं 9वें स्वाइप पे। इसमें अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, ना नहीं बोल सकते, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। ये सिर्फ है ना पर्पल ग्रैब करना चाहिए, उठाना चाहिए पर्पल को, उठाया भाई, उधर ही एक नंबर। ये देखो ये अभी दोनों आएंगे, ये देखो एक नंबर। अभी एक अपना लास्ट 10वां स्वाइप बचा हुआ है, वो भी हम अभी मारेंगे, वो जो ग्रीन कलर का जो पीछे साइड में है ना उसके ऊपर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 स्वाइप में ना अच्छा खासा प्राइज मिला हुआ है, मैं आपको दिखा था, आप बने रहिए वीडियो में।
अच्छा खासा प्राइस मिला है यहाँ पे 10 वाइप में। अभी है ना वहाँ पे वो देखिए ग्रीन कलर का जो आ रहा है ना वो उठाएंगे, समझो इस साइड में डाल दिया उसने इसके पीछे, तो फिर इसमें से है ना किंडर जॉय भी आ जाएगा अपने को। सिर्फ है ना वो ग्रैब होना चाहिए, वो पिंक के यहाँ पे देखिए ऑरेंज, उसके बाजू में जो ग्रीन है ना वो यहाँ पे आना चाहिए, बस वो आ गया तो अपना काम बन जाएगा, एक नंबर काम बन जाएगा। ये देखिए आ गया ग्रीन, उठना मुश्किल है लेकिन है ना कोशिश करते हैं उसको उठाने की कोशिश करते हैं, और क्या दूसरा तो ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन में वही बचा हुआ। एक ग्रैब किया, ग्रैब किया, ग्रैब किया तेरी। चलिए दोस्तों इस तरीके से आपने 10 स्वाइप इसके ऊपर हो गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 1800 पे कुछ चालू किया था, 1268 बचे हुए हैं। अभी अपने पास है ना दोस्तों बैलेंस चेक करते हैं, अपने पास बैलेंस बचा हुआ है 1268। तो चलो एक बार फिर से काउंट करके आते हैं कितने स्वाइप हुए हैं इसके ऊपर, और बाद में आपको प्राइस दिखाता हूँ। तो दोस्तों अपने 10 ही स्वाइप हुए हैं, अभी है ना हम प्राइस देखते हैं। अरमॉल में हमने कोरम मॉल में हमने जीता था 300 स्टेप और 4 किंडर जॉय। यहाँ पे देखते हैं ये 200 स्टेप है, उसके बाद ये देखिए, नहीं तो आप बोलोगे दूसरी जगह से निकाला, जो 400 स्टेप हो गए, 600 स्टेप, ओ भाई, उसके बाद एक स्नेकर्स, एक किंडर जॉय, एक कार, खत्म खत्म। तो देखिए दोस्तों ये है ना 6 है, एक की प्राइस है ना 100 रुपीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे प्राइस है 100 रुपीज़। तो ये अपने को मिले है 6, तो ये 600 हो गया, ये 50 रुपीज़ का किंडर जॉय है, 650, उसके बाद ये कार शॉपनर है 5-10 रुपये का रहेगा जो भी, और एक स्नेकर्स। तो दोस्तों इतना सब मिला है अपने को 10 स्वाइप में 500 रुपये, तो इतना सब मिला है 500 रुपये में। तो ये भी गेम आज का है ना वर्थ इट था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।